हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। और गाइस, अगर आपने अभी तक फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स एंड बाय रीग्रुपिंग मेथड की हमारी वीडियो नहीं देखी है, जाके देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज। तो गाइस, बेसिकली तीन होती हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो कि हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड लास्ट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a प्लस b a माइनस b। तो आपको ऐसे में याद तो हर कोई कर सकता है, बट जो मेन काम होता है वो क्या होता है, आइडेंटिफाई करना कौन से क्वेश्चन में या फिर कौन से एक्सप्रेशन में इनमें से कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी। चलिए देखते हैं। तो गाइस, अब या तो आपको वो ये कह सकते हैं कि आपको ये वाला पार्ट दिया हुआ है और आपको इसको करना है फैक्टराइज, या फिर ये वाला पार्ट दिया हो सकता है, कहते हैं इसको करो फैक्टराइज। तो मतलब जैसे कि ये इसके इक्वल है तो कुछ भी दिया हो सकता है। चलिए समझते हैं। आई नो अभी आपको थोड़ी डिफिकल्टी लग रही होगी, बट आपको एग्जांपल से अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए मैं एग्जांपल ले लेती हूँ इधर साइड में। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। हम लोग अपने फर्स्ट स्टेप से, मतलब सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, क्या इसके अंदर कुछ कॉमन है। तो क्या आपको कुछ कॉमन लग रहा है? नहीं, कुछ कॉमन तो नहीं है। क्या इसके अंदर रीग्रुपिंग हो सकती है? नहीं, उसमें तो 4 टर्म्स होती हैं, यहाँ पर कितनी है 3, मतलब रीग्रुपिंग भी नहीं होगी। तो अब मतलब इसके अंदर क्या लगेंगी, आइडेंटिटीज। अब बट यहाँ तो तीन तीन है, इनमें से कौन सी लगेगी? तो अगर आप देखें तो इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, 3, और इसके अंदर भी 3 टर्म्स है, मतलब इन दोनों में से कोई एक लगेगी। अब बट कौन सी लगेगी, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दोनों क्या है, प्लस के, और यहाँ पे क्या है, एक प्लस का और एक माइनस का, मतलब कौन सी लगेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब गाइस कैसे लगेगा, ये तो बहुत ही अलग अलग दिख रहा है। चलिए देखते हैं। तो हमारी क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या हम लोग एक ही जगह x ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, या हम लोग x ले लेते हैं। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ एक बार, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। दोबारा लिख देती हूँ आइडेंटिटी को, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम लोग क्या एक ही जगह x ले सकते हैं? हाँ जी ले सकते हैं। अब हमको क्या करना है, 16 को b के स्क्वायर में लिखना है। तो 16 क्या किसी का स्क्वायर होता है? हाँ होता है ना, किसका, 4 का। तो हम लोग क्या ले लेंगे b की जगह, 4। अब हमें अब क्या लिखना पड़ेगा, 2 को एज इट इज उतार लेंगे। हमने क्या लिया था a की जगह, x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x, और यहाँ पे क्या लिया था b की जगह, 4। एक बार चेक कर लेते हैं क्या इनको मल्टीप्लाई करने पे यही आ रहा है ना, 4 टू जा 8 और x, मतलब ये तो वर्क कर रही है। तो गाइस बस यही है। अब मतलब इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी चल रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसमें लगा देंगे आइडेंटिटी। तो कौन सी लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर a कौन सा था, क्या था, a x, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, x, और b क्या था, 4, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 4, उसका होल स्क्वायर। अब इसको दो बार लिखना पड़ेगा, जैसे कि x प्लस 4। अब मैंने इसे दो बार क्यों लिखा है, क्योंकि क्या हो रहा है इसके अंदर, स्क्वायर, इसलिए मैंने इसको दो बार लिख दिया। बस सॉल्व्ड, बस गाइस इसमें यही करना था। तो सबसे पहला टास्क जो होता है हमारा वो ये होता है, हमको फाइंड आउट करना होता है कि उसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, और फिर तो बस ही सॉल्व हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं ले लेती हूँ नेक्स्ट एग्जांपल, तब तक मैं इस एग्जांपल को रेज कर देती हूँ। तो गाइस ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 25a² - 10a + 1। तो अब इसके अंदर कौन सी लगेगी आइडेंटिटी, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ये माइनस का है एक, और ये प्लस का है,
मतलब ये दोनों प्लस के एक तो नहीं लगेगी, कौन सी लगेगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है वन, यहाँ पे प्लस है। अब इसके अंदर लगेगा कैसे, यहाँ पे 25a² है, यहाँ पे वन, अब हमको इन दोनों को तो किसी का स्क्वायर बनाना है, कैसे बनाएंगे, क्या 25 किसी का स्क्वायर होता है, होता है, किसका होता है, 5 का, तो क्या हम लोग 25 की जगह 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, अब लिख लेते हैं हम लोग 5। अब ये ए स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, ए का, अभी क्या भाग ले लेंगे, ए, अब 5a का होल स्क्वायर ले लिया हमने, 25a², अब देखिए मैंने क्यों लिया, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 5, और ए स्क्वायर जो था ही पहले से, उसका भी स्क्वायर कर लिया, इसको कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे ये वन है, और वन किसका स्क्वायर होता है, वन का, तो क्या कर लेंगे, वन का स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, चेक करना है, यहाँ पे 10a है, तो क्या लगती है हमारी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नंबर 2 को ऐसे ही उतार लेंगे। अब इसके अंदर हमारा ए क्या है, तो ऐसे भूलना नहीं है हमको कि सिर्फ अगर आप ये ए को मत लिख देना, हमारा ए क्या है, ये पूरा जो 5a है ये हमारा ए है, मतलब ये जो पूरा है ये तो मतलब हमने सॉल्व किया था, तो ये 5a पूरा इधर आएगा, 5a, यहाँ पे हमने b क्या लिया है, 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, तो वैसे कंफ्यूज नहीं होना है, खाली यहाँ पे a नहीं लिख देना है, पूरा लिखना पड़ेगा। थोड़ा यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, थोड़ा इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ, क्या था, 5a का होल स्क्वायर। अब मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ, यहाँ पे हमने 2 का 2 ले लिया, और फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन देन सेकंड एक्सप्रेशन, आई थिंक अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं, क्या इस टर्म को मल्टीप्लाई करने पे माइनस 10a आ रहा है, चलिए चेक करते हैं, 5 2 10 10 आ गया, और a मतलब ये वर्क कर रही है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अब इसके अंदर क्या लेना है हमको, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a क्या था, 5, याद आया, मतलब पहला एक्सप्रेशन क्या था उसको ले लेंगे, तो क्या था, 5a। अब b मतलब सेकंड एक्सप्रेशन क्या था, 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग दोबारा दो बार लिख देंगे, 5a माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5a माइनस 1, तो आई थिंक अब तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैंने दो बार लिख दिया क्योंकि यहाँ पे क्या था, स्क्वायर। अब मैं तब तक इसको इरेज कर देती हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी की, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो गाइस ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब इसके अंदर कौन सी लगेगी आइडेंटिटी, चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, 16x² माइनस 9y², मतलब कितनी टर्म्स हैं, 2। अब यहाँ पे मे बी ये भी तो लग सकता है, बट इसके अंदर क्या हो रहा है, होल स्क्वायर, यहाँ पे तो सब लोग अलग अलग है, कुछ होल नहीं है, यहाँ पे भी सेम, तो मतलब कौन सी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट यहाँ पे तो 16x², यहाँ पे 9y² कैसे लगेगी, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 16, अब 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, यहाँ पे क्या ले लेंगे, 4। अब x² किसका स्क्वायर होता है, x का, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x, अब क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर माइनस ले लेते हैं, अब किसका स्क्वायर होता है, 9, 3 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। अब y किसका, y स्क्वायर किसका होता है, y का, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y, 3y का होल स्क्वायर। अब क्या इसके अंदर कोई आइडेंटिटी लग रही है, हाँ कौन सी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कैसे, चलिए देखते हैं, अब जैसे जैसे कि देखे तो ऐसा लग रहा है कि मे बी इसके अंदर ये भी तो लग सकती है, यहाँ भी हो रहा है माइनस, दोनों में फर्क क्या होता है, तो गाइस ये दोनों बिल्कुल अलग है, तो गाइस इसमें क्या हो रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए का स्क्वायर अलग हो रहा है और बी का अलग, मतलब दोनों का साथ में नहीं है, यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी का होल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए का सेपरेट स्क्वायर, यहाँ पे बी का अलग, यहाँ पे कौन सी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलिए देखते हैं। अब
और ये जरूर लिखना है आपको, अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो उसके साइड में ये जरूर लिखना होता है कि वो कौन सी आइडेंटिटी है। चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे ए क्या है, मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन कौन सी है, 4x। यहाँ पे क्या ले लेंगे, 4x। यहाँ पे क्या है, प्लस का, यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस। अब सेकंड कौन सी है, 3y, देन मल्टीप्लाई, अब देन अगेन यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन आ जाएगी 4x, अब माइनस आ जाएगा, देन 3y। तो बस हो गया सॉल्व, बस यही था। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, फिर आप लोग पहचानना कि इन तीनों में से कौन सी लगेगी, तब तक मैं इसको रेस कर देती हूँ। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 टर्म्स हैं। हमने क्या पढ़ा था अब तक, 2 और 3 टर्म्स का, तो अब ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके वेरिएबल चेक करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, ए, यहाँ पे कौन सा है, बी, यहाँ पे बी सी, मतलब दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे सी। तो अब जैसे कि इसके अंदर दो वेरिएबल्स को हमें बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। अब किसके अंदर बी आ रहा है, इस माइनस 4b स्क्वायर के अंदर, और सी किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर -49c स्क्वायर। अब मतलब इनको हमें साथ में सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बी सी थे। अगर सपोज यहाँ पे 28ab होता, तो हम लोग क्या करते, जिसके अंदर ए होता है और जिसके अंदर बी होता है, जैसे कि इन दोनों के अंदर है, इनको साथ में सॉल्व करते। अब चलिए देखते हैं। तो अब गाइस, क्या इन तीनों के अंदर कोई आइडेंटिटी लग रही है? तो अब जैसे कि यहां तो स्टार्टिंग में ये माइनस का आ गया, तो मतलब ये तो नहीं लग रहा है। हम एक बार इसको कॉमन करके देखते हैं, माइनस को अगर हम लोग बाहर लेंगे तो सबके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज, इसको बाहर लेने पे माइनस को, तो ये किसका हो जाएगा, 4b स्क्वायर प्लस का, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस हो जाएगा प्लस। अब इन सबके क्या हो गए, साइन चेंज, क्योंकि हमने बाहर ले लिया है माइनस। अब क्या इसके अंदर कोई आइडेंटिटी लग रही है? हाँ लग रही है, कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस, और यहाँ भी क्या आता है, माइनस। अब जैसे कि अब तक हमने समझा था हमको क्या करना होगा, इस 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और ये बी स्क्वायर किसका होता है, बी का, इसको बाहर ले लेते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, और सी किसका होता है, सी स्क्वायर किसका होता है, सी का, इसे ले लिया। अब यहाँ पे इस बाहर ले लेंगे हम लोग, मतलब -2 ए भी होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसलिए 2 इंटू। अब इसके अंदर पहले एक्सप्रेशन कौन सी है, ए कौन सा है, मतलब 2b, और अब 7c ले लेंगे मल्टीप्लाई में, बिकॉज सेकंड एक्सप्रेशन है। तो अब गाइस चलिए देखते हैं, थोड़ा इसको इधर लिखती हूँ, बहुत ज्यादा घिचपिच हो गई है वहां पर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, एक बार चेक कर लेते पक्का इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे यही आ रहा है ना, 2 2 2 4 4 7 28 और 20, मतलब सही है, सच में लग रही है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसके अंदर a क्या है, मतलब पहली एक्सप्रेशन कौन सी है, 2b, और यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा, माइनस का, और अब क्या आ जाएगा, 7c, 7c का होल स्क्वायर, इसको अंदर हटा देते हैं। अब क्या इसके अंदर कुछ और मतलब है, सॉल्व होगा, तो यही इसका आंसर है, तो भाई थोड़ा लग तो रहा है कि सॉल्व हो सकता है। हाँ सॉल्व होगा, ये अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, 25a स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। क्या इसके अंदर ये वाली आइडेंटिटी लग सकती, क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म्स आ रही है, पहली ये रही और सेकेंड ये रही। अब हमें इसे भी लिखना पड़ेगा किसको, होल स्क्वायर में, तो 25 किसका होता है स्क्वायर, 5 का, तो हमें क्या आ जाएगा, 5, और ये किसका होता है स्क्वायर, a का, इसको ऐसे करके ले लेंगे, और यहाँ पे ये तो होल स्क्वायर ऑलरेडी है, तो मतलब इसके अंदर कौन सी लग गई आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, सबसे पहले क्या आ जाएगा, a, पहली एक्सप्रेशन कौन सी है, 5a, साइन किसका आएगा, प्लस का,
प्लस, अब ये तो पूरा एक है, ये पूरी एक एक्सप्रेशन है साथ में, मतलब पूरा ये जो सेकंड होती है ना, ये पूरा एक है साथ में लिखेंगे, इसलिए 2b-7c। अब ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, अब देन अगेन फर्स्ट एक्सप्रेशन 5a-। अब जैसे कि यहाँ पे बाहर आ गया है माइनस, मतलब इन सबके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज, तो इसलिए अभी मैं क्या करती हूँ सर, बिग ब्रैकेट यूज कर लेती हूँ, बिकॉज सबसे पहले हम लोग इसी में लिखेंगे माइनस को अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि इनके साइन चेंज होंगे। अभी इसको ऐसे लिखने में ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे दोबारा सॉल्व कर लेंगे। फिर -5a+2b-7c, अब क्या कर देंगे इन दोनों के साइन चेंज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का प्लस का। तो ये रहा इसका आंसर। तो गाइस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए, और अगर आपको अभी हमारी वीडियो देखनी है फैक्टराइजेशन वाली, तो यहाँ से रह के देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।